इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली यानी अपने जो हिंदुस्तान है उसकी राजधानी, और कोशी आलोक प्रोडक्शन की टीम भी दिल्ली में मौजूद है। अब यहाँ भी ऑफिस खुल चुकी है, हालांकि आपको मालूम है कि पूर्णिया में हमारी ऑफिस है, न्यूज़ चैनल है। अब दिल्ली में भी आपको खबरें मिलेंगी, साथ में प्रोडक्शन का भी काम यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस तरह के ऑफिस है, हम दिल्ली के इस ऑफिस में मौजूद हैं। ये ऑफिस सबसे पहले आपको हम बता दें, ये दिल्ली के दरियागंज इलाके में है, HDFC बैंक के अपोजिट साइड में जाना है। और तमाम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या जो यहाँ पर काम किए जाएंगे, न्यूज़ किस तरह यहाँ पर रीडिंग होगी, किस तरह प्रसारण होगा, किस तरह प्रोडक्शन का काम होगा। फिलहाल हम आपको ऑफिस दिखाते हैं, ये कोशी आलोक प्रोडक्शन का ऑफिस है। यहाँ पर किस तरह काम कर रहे हैं एडिटर, एंकर, किस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगे हुए हैं खबरों को प्रसारण करने के लिए। उससे पहले का जो काम होता है प्रोडक्शन का, एडिटिंग का, किस तरह प्रोसेस में होता है, वो यहाँ पर हो रहा है। फिलहाल जो यहाँ पर एडिटर हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? निशांत शर्मा। निशांत जी, कैसा जी लग रहा है काम? बहुत बढ़िया। किस तरह आप नए जो थीम को लेकर आए हैं, क्या न्यूज़ देंगे देशवासियों को? तब देशवासियों को जो हकीकत जो है वो चीज़ें दिखाएंगे, हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन चैनल्स तो बहुत सारे हैं, पर हम जो है कुछ अलग करने का प्रयास में हैं कि लोगों तक जो है वो ग्राउंड की चीज़ें हम पहुंचा पाएँ, लोगों तक जो है जो सच्चाई है वो पहुंचा पाएँ। हालांकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मगर ये ऐसा क्या खास होगा जो लोग इसको देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हर एक चीज़ जो है अपने आप में खास होती है, और इस चैनल की खासियत ये है कि हम जो है वही चीज़ों को दिखाते हैं जो सच में वास्तविकता से घटित होती है या वास्तविकता से कोई उसका जुड़ना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चला दे रहे हैं। आजकल के जैसे सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कुछ भी न्यूज़ें जो है प्रसारित की जाती है, तो वैसे के ख़िलाफ़ हैं हम। और जो सच में जो हकीकत में कोई घटना घटित हुई हो या किसी चीज़ से रिलेटेड हो, लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, हम सारी चीज़ों को कवर करके हम लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हॉट न्यूज़ दिखाएंगे या पूरा आप कवरेज करेंगे, पूरा एडिटिंग करके दिखाएंगे? नहीं नहीं हम ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ स्टूडियो रिपोर्ट्स, और कोई अगर इन्फॉर्मेटिव है किसी के, अगर पॉलिटिशियंस के कोई भाषण या कुछ भी, हर तरह की जो न्यूज़ है हम प्रसारित करने का प्रयास में जुटे हुए हैं। चलिए, कुछ खास होगा, अलग जो चैनल हैं, अलग अलग चैनल है, उससे और भी अलग होगा। क्या अलग होगा वो देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ और मौजूद हैं, देख रहे हैं किस तरह एडिटिंग तो कर रही हैं, साथ में ये एंकर हैं। चलिए एंकर से आपको रूबरू कराते हैं, अपना परिचय दें। मेरा नाम निवेदिता है और यहाँ पे मैं एज एंकर काम कर रही हूँ। तो हमारा सुबह से आने के साथ यही होता है कि जो भी मुद्दा है, हमारी कोशिश ये है कि ऐसे मुद्दों को हम टच करें जो काफ़ी लोग नहीं दिखा रहे। जैसे अभी रेप ही है तो बहुत सारे लोग कोलकाता पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर बिहार में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो उतनी नहीं दिखाई जा रही गंभीरता से जितना कि कोलकाता मुद्दा उठाया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि उन छोटे छोटे जगहों की जो बातें हैं उसको ज़्यादा दिखाया जाए, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म्स जितने हैं वो तो दिखा ही रहे हैं बड़ी चीज़ों को, पर गौर फरमाने के लिए अगर हम इन छोटी चीज़ों को दिखाएंगे तो लोगों तक चीज़ें ज़्यादा पहुँचेंगी। आप एंकर एक महिला है, जिस तरह कोलकाता में जो अभी कांड हुआ है, फोकस उधर किया हुआ है, लेकिन जो आपके न्यूज़ के माध्यम से निकल कर आ गया सामने, वो क्या बात कहेंगे, किस तरह का वो विषय होगा जो आम महिलाओं को, लड़कियों को वो प्रेरणा मिलेगी कि आके जाके इस तरह का घटना ना हो? मेरा यही कहना है, जो भी लड़कियाँ अभी वर्किंग है, लेट नाइट भी करना पड़ता है, और अभी जो हुआ भी इंसिडेंट्स वो लेट नाइट वर्किंग की वजह से ही हुआ। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी चीज़ें हैं अगर आपको पहले से सही नहीं लग रही हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो एट अ टाइम आपके साथ होती हैं, तो सतर्क रहें, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में भी होती है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखें। और तमाम जानकारी आपको दे रही थी और बता रही थी, और ये जो कांड जो अभी हुआ है कोलकाता में, इसके बारे में भी वो विश्लेषण कर रही थी। ये आपको हर रोज नजर आएंगी कैमरे के सामने, न्यूज़ को पढ़ेंगी, बताएंगी, और तमाम जो है न्यूज़ को अच्छे से प्रसारण करेंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं, हमारा स्टूडियो भी है, और स्टूडियो भी नज़र आ रहा है आपको, ग्रीन पर्दा, चकाचौंध लाइट, हालांकि अभी लाइट बंद है, जब यहाँ पर एंकर आएंगे यहाँ पर पढ़ेंगे या जो हमारे गेस्ट आएंगे वो यहाँ पर अपने विचारों को रखेंगे, साथ साथ में प्रोडक्शन का भी काम होगा। तो प्रोडक्शन के काम के लिए तो मालूम है कोशी आलोक प्रोडक्शन में हमारे साथ सुनील जी हैं जो निदेशक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ खास करने वाले हैं। दिल की धड़कन यानी हिंदुस्तान की धड़कन दिल्ली में कदम रखा है, क्या कुछ करेंगे?
बिल्कुल, राजधानी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से विशेष ही होगा, और प्रयास है कि 17 साल से लगभग हम पूर्णिया वासियों का सेवा कर रहे हैं न्यूज के माध्यम से इनकिन प्रकार। अब दिल्ली में हम पोर्टल न्यूज को भी यहाँ पे एस्टेब्लिश करने लगे हुए हैं एक नए ब्रांड के साथ, साथ में कोसी आलोक प्रोडक्शन का भी यहाँ पे काम किया जाएगा, जो एड फिल्म हो गया, शॉर्ट फिल्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक स्थायी रूप से एक ऑफिस की शुरुआत किए हुए हैं दिल्ली में, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उभरते हुए कलाकार लड़के लड़कियों को अपने शॉर्ट फिल्म में, एड फिल्म में मौका भी देंगे काम करने का, और हम लोग प्रयासरत हैं। उम्मीद है ये जन फरवरी मार्च के बाद हम लोग फुल फ्लेज में आ जाएंगे, और एक नया पोर्टल को जो एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है कोसी आलोक प्रोडक्शन के सहयोग से, और हम चाहेंगे कि इसको आप लोग देखें, वॉच करें, सभी लोग सहयोग करें। तो ये सुनील सुमन जी थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ अलग होने वाला है, और जैसा कि आपने सुना ही कि हिंदुस्तान की धड़कन दिल्ली, दिल्ली अपने देश की राजधानी, और देखिए किस तरह का प्रोडक्शन का काम सुनील जी ने भी किया है, और ये तस्वीरों में, फोटोग्राफ्स में आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग जो हैं सितारे फिल्म इंडस्ट्रीज के, यहाँ पर जो शिरकत की हैं सुनील जी के साथ प्रोडक्शन में, अपना भूमिका भी निभाए हैं, वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब नया पोर्टल के माध्यम से आपको देश दुनिया की खबर यहाँ से मिलेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी NS-31 गुलाबबाग पूर्णिया, यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद, तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS-31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर पूर्णिया के NS-31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में, गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा, इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS-31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।